नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अब 21 व 28 जनवरी को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नई तिथि जारी की है। इस परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी और 28 जनवरी 2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित केंद्रों पर किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर शीघ्र प्रकाशित होगी। आपको बता दें कि जेएसएससी ने 11 दिसंबर को इस प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मंगलवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नई तारीख की घोषणा की गई है। अब यह परीक्षा 21 जनवरी और 28 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। वही श्रुति लेखन स्क्राइब की सुविधा के लिए संबंधित अभ्यर्थी संलग्न विहि प्रपत्र में 6 जनवरी 2024 तक आयोग कार्यालय में आवेदन भेज दें। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी। सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी है। जारी डेटशीट के अनुसार परीक्षा की शुरुआत 15 जनवरी से होगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 13 मार्च को समाप्त हो जाएगी। सीबीएसई द्वारा जारी डेटशीट के मुताबिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली परीक्षा सुबह 10:30 बजे से होगी, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक चलेगी। परीक्षाएं 56 दिन तक चलेगी। सारी जानकारी सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार हिंदी 21 फरवरी, अंग्रेजी 26 फरवरी और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 7 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद गणित 11 मार्च और 13 मार्च को आईटी का पेपर होगा। चुनाव के लिए कमर कस ले होगी आर पार की लड़ाई सीएम हेमंत। ईडी के छठे समन के बाद जब मंगलवार को दुमका के हेट कोरिया मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी आक्रामक था। वह मंच की सीढ़ियों पर मुस्कुराते हुए तेजी से चढ़ने के बाद सामने बैठी जनता को जोहार किए। उसके उपरांत सीधे जनता से संताली भाषा में मुखातिब होकर कहा कि वह 2 घंटा विलंब से पहुंचे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि कुछ लोग तो यह अफवाह फैलाने में जुटे थे कि वह आज दुमका नहीं आएंगे, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य लड़ कर लिया है और अब अपने हक व अधिकार लेने की बारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 दिसंबर को 1932 खतियान पर होगा फैसला। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे अथवा विधानसभा सत्र की बैठक के बाद होगी। सूत्रों ने बताया है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यपाल ने इसे अपने आदेश के साथ विधानसभा को लौटा दिया है। सरकार इस संदेश पर विचार करते हुए पुनः खतियान आधारित नियोजन नीति को परिभाषित करने पर विचार कर रही है। खबर है कि सरकार इसे कैबिनेट में फिर विधानसभा पेश कर पुनः राज्यपाल को भेजेगी। बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर 14 दिसंबर को पक्ष विपक्ष की बैठक होगी। सत्ता पक्ष के विधायक सीएम आवास में साथ बैठेंगे। इस बैठक में झामुमो कांग्रेस व रायत विधायक विपक्ष के सवालों को लेकर रणनीति बनाएंगे। तुपुदाना गैंग रेप मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के चुकरू जंगल में नाबालिग लड़की से गैंग रेप के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मामले में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि नाबालिग छात्रा को अपराधियों ने बीते शनिवार की रात अगवा कर उसे चुकरू जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को सड़क पर फेंक अपराधी फरार हो गए थे। पुलिस की टीम सोमवार को नाबालिग लड़की का कोर्ट में 164 का बयान कराया था, साथ ही अपराधियों की तलाश में जुट गई थी। सीएम हेमंत ने ईडी को पत्र लिखकर पूछा क्या आधार है समन का बताइए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर समन का आधार पूछा है। मंगलवार के दिन में लगभग 2:30 पर एजेंसी के दफ्तर में सीएम कार्यालय का एक कर्मी पत्र लेकर पहुंचा। पत्र में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को संबोधित करते हुए सीएम के द्वारा यह पूछा गया है कि ईडी किस केस में उन्हें बार बार समन कर रही है, यह बताया जाए।
सीएम ने ईडी से यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ कौन से मामले में पूछताछ होनी है, उन्हें यह नहीं पता। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ईडी को 30 नवंबर 2022 को एक हलफनामा के जरिए वह अपनी सारी चल अचल संपत्ति की जानकारी दे चुके हैं। गौरतलब है कि ईडी ने पहली बार सीएम से 17 नवंबर 2022 को पूछताछ की थी। सीएम ने पत्र में लिखा है कि ईडी के बार बार समन से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में धान खरीद में देरी, किसानों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। झारखंड किसानों को सरकारी दर पर धान बेचने के लिए अभी कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। हालत यह है कि पहले किसान को बुआई के वक्त पानी के लिए तरसना पड़ता था और अब जैसे तैसे उपजे धान को बेचने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए जो तैयारी की गई है वह काफी सुस्त रफ्तार से चल रही है, इस वजह से धान खरीद की शुरुआत होने में वक्त लगेगा। जानकारी के मुताबिक धान खरीद की शुरुआत दिसंबर के बाद यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होने की संभावना है। अमूमन हर साल धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से की जाती रही है, लेकिन इस साल खाद्य आपूर्ति विभाग और झारखंड राज्य फूड कॉरपोरेशन के द्वारा प्रारंभिक तैयारी नहीं किए जाने की वजह से देरी हो रही है। राज्य की जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सत्र की अवधि तय हो। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह सत्र महज 6 दिनों का होगा, जिसमें राज्य के 81 विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को उठाएंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि कई विधायक सवाल करने से वंचित भी रह जाएंगे या अपने क्षेत्र की समस्या सही ढंग से नहीं उठा सकेंगे। इसी कारण विधानसभा सत्र की अल्प अवधि को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, विधानसभा सत्र की अल्प अवधि पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व स्पीकर और रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थित विधानसभा के सत्र की अवधि पर भारत सरकार से कानून बनाने की मांग की है। बता दें, विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि अल्प अवधि के सत्र के दौरान जनता की बात उठ नहीं पाती, ऐसे में भारत सरकार को लोकसभा के जरिए एक कानून बनाना चाहिए। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे दिव्यांगों को सरकार का इंतजार। झारखंड में इन दिनों दिव्यांग जन अपने हक और अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। राजधानी रांची में राजभवन के पास दिव्यांग जन अपने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले राज्य के हजारों दिव्यांग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे शमशेर आलम राही ने बताया है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले दिव्यांग जनों के लिए जो वादे किए थे वह अब तक पूरा नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले यह कहा था कि दिव्यांग जनों को मिलने वाला मासिक पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष 28 दिनों तक राज्य के दिव्यांग जनों ने धरना दिया था, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने लोगों से झूठा आश्वासन देकर धरना खत्म करवा दिया था। कोडरमा में भेड़िया के हमले से 19 पशु घायल। कोडरमा प्रखंड के खरकोट्टा गांव में सोमवार को एक भेड़िया घुस आया और दर्जनों पशुओं को घायल कर दिया। इसकी सूचना विधायक प्रतिनिधि राजकुमार यादव ने कोडरमा बीडीओ सुमन गुप्ता को दी है। बीडीओ ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएचओ डॉक्टर निर्मला को सहयोगियों के साथ खरकोट्टा भेजा। वहाँ सभी घायल पशुओं को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। CHO डॉक्टर निर्मला ने बताया है कि 19 मवेशी घायल थे, सभी को इंजेक्शन लगा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि तीसरे और सातवें दिन भी जाकर मवेशियों का उपचार किया जाएगा। मौके पर उनके साथ अनुसेवक विनोद तिवारी, कृत्रिम गर्भधान कराने वाले सदानंद कुमार के अलावा कई ग्रामीण भी मौजूद थे। सीएम के कार्यक्रम में पहुंची महिला को सांप ने डसा। दुमका के सदर प्रखंड के बड़ा ढाका गांव में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गई महिला को सांप ने डस लिया। आनंद फानंद में घायल को एम्बुलेंस से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को आईसीयू वार्ड में भर्ती करा लिया गया। समय पर इलाज हो जाने की वजह से उसकी जान बच गई है। घायल सोनामुनि सोरेन मुफसिल थाना क्षेत्र के बुढ़ारिया गाँव की रहने वाली है। सहयोगी महिलाओं ने बताया है कि सभी लोग समूह में काम करती है, सभी एक साथ कार्यस्थल पर पहुंची थी। शुरू होने में देर रहने के कारण सभी घास पर बैठकर बात कर रही थी, इसी दौरान सांप पीछे से पहुंच गया। जब तक कुछ समझती तब तक उसके हाथ में नीचे सांप दब गया और उंगली में डस लिया। ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर कामकाज प्रभावित। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डाक सेवकों के हड़ताल से डाक विभाग का कामकाज प्रभावित हुआ है। मंगलवार को प्रधान डाक घर के पास ग्रामीण डाक सेवकों ने धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विनोद पांडे ने की है।
संचालन सचिव अजय कुमार सिंह ने किया। धरना में संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि नौ सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। आंदोलन तेज करने में सभी डाक सेवक अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, एकजुट रहने से ही सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के प्रति गंभीरता दिखाएगी। धरना प्रदर्शन में संघ के सोहन गुप्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पलामू के 322 विद्यार्थी सफल। झारखंड अधिविद परिषद द्वारा 13 अगस्त को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पलामू जिले के 322 विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। परीक्षा में पलामू जिले के 20 प्रखंड के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस परीक्षा में राज्य के सभी जिलों से 2855 विद्यार्थी सफल हुए हैं। इसमें 1386 छात्राएं व 1469 छात्र शामिल हैं। इस परीक्षा में नवा बाजार प्रखंड के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय तुबेरा टोला के 4 विद्यार्थियों ने सफलता पाई है। इसमें दीपिका कुमारी, विकास कुमार, सन्नी कुमार व अनुष्का सोनम शामिल हैं। इसकी जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक बिंदा प्रसाद गुप्ता ने दी है। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को कॉपी एवं कलम देकर उनका उत्साहवर्धन किया है। मुक्ति दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला से 2 लाख की जेवरात की ठगी। झारखंड के गिरिडीह शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से ठगों ने एक वृद्ध महिला को अपना शिकार बनाते हुए उसके 2 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए हैं। घटना शहर की हृदय स्थली कालीबाड़ी चौक मंदिर के समीप की है। हरिद्वार से आए बाबा बनकर 2 युवकों ने इस बार शहर के मक्तपुर डॉक्टर लेन स्थित शर्मा हाउस में रहने वाली वृद्ध महिला इंदु बाला सिंह को अपना निशाना बनाया। घटना मंगलवार शाम करीब 4:15 की है। घटना के बाद वृद्ध महिला का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगों की धरपकड़ में जुटी है। झारखंड में 17 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। राजधानी रांची में 17 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का कहर दिखने को मिलेगा। इसके बाद तेज हवाओं के साथ कनकनी महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। मौसम में तेजी से हुए बदलाव का मुख्य कारण मिचौंग तूफान का ठहराव है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि सोमवार को रांची का मौसम शुष्क रहा। उधर ठंड बढ़ने के साथ ही उन्हीं कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगने लगी है। धन्यवाद।